जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो ओबीसी की जनगणना का है, लेकिन जहां एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी इन जो जातियां हैं उन पर राज करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन नीचे से ग्राउंड लेवल से नौकरियां नहीं आ रही। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए कि दलित को दलित का भागीदारी मिलना चाहिए, पिछड़ों को पिछड़ों की भागीदारी मिलनी चाहिए, जिससे हम जान सके कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन लोग पिछड़े रह गए हैं, उनको आगे आकर नौकरियों के अवसर मिल जाएं। आज के नौजवानों से पूछो, जिसके पास जनगणना न होने के कारण हमारे नौजवान हमारे बेटे भाइयों के पास रोजगार नहीं है। तो ये बात हिस्सेदारी की है, समाज इसमें आगे और बढ़ेगा जातीय जनगणना के आधार पर, और निश्चित देश प्रगति के रास्ते पर चलेगा। मैं जयकरण वर्मा हूँ, कुर्मी समाज से आता हूँ, मुझे हिंदुत्व पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हिंदुत्व के लगा पर हमारी कुर्सी नहीं दी जाती, हमें सम्मान नहीं दिया जाता, और हम इसीलिए कहते हैं जातीय जनगणना हमारी भविष्य है, इस देश का भविष्य है, और 2024 में हमारे जैसा गरीब आदमी राहुल गांधी को लाना चाहता है, जिससे जातीय जनगणना भी हो पाए और हमारे जैसे लोगों को देश में भागीदारी भी मिल पाए।